Hey guys, welcome back to our YouTube channel. Feeling good guys. मैंने न्यू हेयर कट ले लिया है. आई नो कि आप ये बहुत टाइम से चाह रहे थे कि मैं अपना लुक चेंज करूँ, सो मैंने कर लिया. जो आउटफिट मैंने पहना है इसका हॉल आपको नेक्स्ट देखने को मिलेगी, तो डिटेल्स के लिए आपको नेक्स्ट हॉल देखना पड़ेगा. एंड आज का हॉल होने वाला है मिंत्रा बैग्स हॉल. सो जितने भी बैग्स हैं वो बहुत ही बढ़िया और बहुत अच्छे डिस्काउंट्स में मुझे मिली है, क्योंकि मैंने सारे बैग्स लिए हैं रिपब्लिक डे सेल में. एंड गाइस, जब मिंत्रा पे सेल चलती है तो बैग्स एंड हील्स बहुत अच्छे डिस्काउंट्स में मिलते हैं. मिंत्रा की जो प्राइस है गाइस वो कम होते रहती है, तो जो भी बैग्स आपको पसंद है उसे विशलिस्ट में रखिए एंड चेक कीजिए. जब भी प्राइस कम होता है फटाक से ग्रैब कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी सेल पे आउट ऑफ स्टॉक चली जाती है. अगर आपको ये बैग हॉल पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना गाइस. एंड मेरे हॉल्स वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, दिल से आप देखना पसंद करते हो, तो सब्सक्राइब कर देना. एक रेड बटन हिट करोगे वो मेरे लिए गाइस बहुत हेल्पफुल होगा, सो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को. तो प्लीज सब्सक्राइब करके थोड़ा हेल्प कीजिए. कमेंट में जरूर से बताइए कि कौन सी बैग अच्छी लगी आज के हॉल में. नाउ विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. माई फर्स्ट आइटम इज दिस ब्लैक टेक्सचर्ड स्लिंग बैग. एंड ये बहुत 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 ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बैग है गाइज. ये मुझे एक्चुअल में बहुत ज़्यादा पसंद आई. एंड ये मुझे सेल में मिली है अप्रॉक्स 1500 और 1600 रुपीज़ में. जो इसकी क्वालिटी है वो मिलने के बाद मैं बोलूँगी कि ये वर्थ है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसकी जो लुक है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बैग वाली है. बेस्ट पार्ट है कि स्लिंग भी आ रही है, आप उसे अटैच भी कर सकते हैं, विटॉ स्लिंग भी यूज़ कर सकते हैं. एंड इसकी जो जिप है वो सिर्फ ऊपर को नहीं है, लाइक आपको जिप पूरे बैग में यहाँ से फ्रंट से लेके इन तक मिलेगी. एंड कुछ इस तरीके से ओपन होने के बाद इसकी स्पेस लगती है. आपको जिप मिल रही है एक तरफ और दूसरी तरफ आपको टू पॉकेट्स मिल रहे हैं, तो काफ़ी स्पेशियस बैग है ये. एंड काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग्जरियस भी लग रहा है, आप देख सकते हो. मैट फिनिशिंग है, बैग पे भी जिप मिल रही है. एंड मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आई, लाइक ट्रैवलिंग के लिए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि इस पर इतना ज़्यादा सामान आ जाएगा. और काफ़ी ये जो मैट फिनिश है वो काफ़ी मुझे पसंद आया. एंड ब्लैक ऑब्वियसली सब पे चलता है तो वैसे ही सुंदर लगता है. जो इसकी लुक है बॉक्स काइंड ऑफ वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगी. जैसे स्टॉक में आती है आप प्लीज़ इसे ग्रैब कर लें. माई नेक्स्ट आइटम इज दिस लाइट ब्राउन बैग. एंड गाइज, इन दिनों ये बैग मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं जब यहाँ आई थी लॉकडाउन में, तब फ्रैंकली मैं बैग्स लेकर नहीं आई थी, मेरे पास सिर्फ एक बैग थी. और ये बैग मैं बहुत ज़्यादा भी यूज़ कर रही हूँ. सो ये बहुत ही खूबसूरत कलर है इसका, ब्राउन. एंड यहाँ पर आपको ट्विस्ट ओपनर मिलेगा, सो काफ़ी स्पेसियस है. आप इसकी स्पेस देख सकते हैं, एक पॉकेट मिलेगा, एक चेन मिलेगी साइड पर. एंड स्पेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा काफ़ी है. बहुत ही एक हैंडल मिलेगा, डिटैचेबल स्ट्रिंग स्ट्रैप है इस पर. आप चाहो तो हैंडल पे भी यूज़ कर सकते हो, स्ट्रैप के साथ भी यूज़ कर सकते हो, दोनों तरीके से काफ़ी हैंडी लगे. क्योंकि मैं पर्सनली यूज़ कर रही हूँ तो मैं आपको बोल सकती हूँ कि ये बहुत सुंदर बैग है. बैग में भी आपको जिप मिल रही है. एंड ये गाइज मुझे मिली है ओनली 1259 रुपीज़ में, तो ये स्टील डील है. मतलब इस ब्रांड में तो मैं क्या ही बताऊँ कि सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई जो प्राइस में मुझे मिली है. सो मैं इसे हाईली रेकमेंड करूँगी, प्लीज़ इसे ग्रैब कर लो, आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होगे. माई नेक्स्ट आइटम इज दिस ग्रीन टेक्सचर्ड स्लिंग बैग. एंड ये बैग जो है वो कॉलेज गर्ल्स के लिए परफेक्ट है, मूवीज मॉल्स के लिए परफेक्ट है ये, क्योंकि इस पर आपको कुछ हैंडी नहीं मिल रहा है. इस पर आपको सिर्फ एक स्लिंग स्ट्रैप मिल रही है जो कि मेटल की है, एंड हाफ आपकी ग्रीन कलर की है. स्पेसेस काफ़ी है ये बैग, आप देख सकते हो. पीछे बैग पे चेन नहीं है. ग्रीन इसका जो कलर है वो बहुत ज़्यादा यूनिक, बहुत सुंदर है. इसका कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया. एंड इसकी स्पेस काफ़ी अच्छी है, तो इस तरीके की बैग मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आती है. जब भी ज़्यादा कुछ मन नहीं होता तो इस तरीके की बैग्स होती, ज़्यादा मैचिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और बहुत सुंदर लगती है. सो ये भी मुझे मिली है 1200 समथिंग की, जो कि बहुत स्टील डील है, कलर बहुत सुंदर है. जो फ्रंट पर आपको बहुत अच्छी शाइनिंग काइंड ऑफ स्नेक की जो डिज़ाइन होती है उस तरीके की है. एंड मेरी हाइट 5'4" है गाइज, तो मेरी स्लिंग इतनी आ रही है, क्योंकि इस पर
पे आप कम ज्यादा नहीं कर सकते हो, एग्जैक्टली आपको उतनी ही मिलेगी। एक जिप मिल रही है अंदर को, और इस पे फ्रंट पे चेन नहीं है, ये फ्रंट पे ऐसी ओपन रहेगी, तो इस चीज़ का आप ध्यान दें। और अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो चेन वाली ही मैं प्रिफर करूँगी, क्योंकि समटाइम्स मुझे चेन वाली ही ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि मैं बहुत सामान तोड़ती फोड़ती गिराते रहती हूँ। सो मैं इसे भी हाईली रिकमेंड करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। स्पेशल से कलर बहुत सुंदर है, डिज़ाइन बहुत अच्छी है। माई नेक्स्ट आइटम इज दिस वाइट एंड कैमल ब्राउन बैग, एंड इसका जो डिज़ाइन है गाइज वो मुझे बहुत यूनिक लगा, लाइक इसका जो लुक है वो बहुत पसंद आया। अगेन इस पे आप ट्विस्ट करके ओपन कर सकते हो, बटन ट्विस्टर वाली है, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। बैक पे इस पे चेन आपको नहीं मिल रही है, बहुत ज़्यादा आपको देखने पे स्पेसेस नहीं लगेगी, बट ट्रस्ट मी बहुत स्पेसेस बैग है ये, एंड डिटैचेबल स्लिंग स्ट्रैप के साथ आती है, तो आप एज अ स्लिंग भी इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड मोस्टली ये ब्राउन कलर है जो बहुत सारे यू नो आउटफिट में जाते हैं, ये बेस्ट पार्ट होता है इस तरीके की कलर, तो ये मस्ट है बैग है। अगर आप कुछ यूनिक लेना चाहते हैं तो इस तरीके की बैग आप ले सकते हैं जो बहुत सारे कपड़ों में जाती है। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आई, एंड इस पे जो स्पेस है वो काफ़ी है। आपको फ्रंट पे यहाँ पे चेन मिल रही है ओपनिंग के लिए, तो ये चेन वाली जो होती है वो मुझे पसंद आती है। विटॉट चेन थोड़ा सा यू नो मैं तोड़ती फोड़ती ज़्यादा हूँ गिराती हूँ, तो टू कंपार्टमेंट्स यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, एक चेन मिल रही है। स्पेस में दिखा देती हूँ कि काफ़ी अच्छी स्पेस है इस पे, बहुत स्पेसियस है। ऑफिस के लिए तो ये बैग परफेक्ट है, बट आप किसी मूवी मॉल आराम से हर चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। प्राइस ये मुझे मिली है 1499 rupees की, जो क्वालिटी के हिसाब से एक स्टील डील है, तो मैं इसे भी हाईली रिकमेंड करूंगी। माय नेक्स्ट आइटम इज येलो बैग, एंड गाइस ये बहुत सुंदर मैट फिनिशिंग के साथ ये येलो बैग है, इसका कलर बहुत ज़्यादा ऑसम है। बैक पे इसकी चेन ही आ रही है, नॉन डिटैचेबल स्लिंग है इस पे, एंड एक हैंडी भी मिल रही है, तो हैंड बैग एज अ स्लिंग बैग दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसका जो ओपन बटन है वो आप जब इसे पुश करोगे ये ईजिली ओपन एंड बंद हो जाएगा, एंड इसका कलर डिज़ाइन सब कुछ बहुत क्लासी है, बहुत सुंदर लग रहा है। इस पे आपको ओपन पे आपको जिप नहीं मिल रही है, ये पूरा खुला है, और इस तरीके जैसे ग्रीन वाली थी सेम एज इट इज़ है ये, और इस पे आपको अंदर एक चेन मिल रही है, काफ़ी स्पेसियस है, आप देख सकते हो इसकी स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो आप बहुत सारे सामान आराम से इस पे डाल सकते हो। तो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताएं, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, एंड ये मुझे मिली है 1259 rupees में, जो अगेन एक स्टील डील है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे बहुत अच्छी सेल पे मिल गई है। एंड इसकी लुक आप देख सकते हो कुछ ऐसी दिख रही है। सो इसकी जो स्लिंग है वो मैं दिखा रही हूँ, मेरी हाइट 5'4" है, और एज अ स्लिंग ये ऐसी लगती है, तो शॉर्ट हाइट गर्ल्स ऐसे यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप की हाइट ठीक है आप एज अ स्लिंग भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो इसकी स्लिंग है वो कम नहीं होगी, एज इट इज़ रहेगी, तो कुछ इस तरीके से इसके लुक दे रही है। आप कॉमेंट ज़रूर से करें कि आपको ये कैसी लगी। माई नेक्स्ट आइटम इज दिस ब्लैक क्लच, एंड ये गाइज मुझे मिली है कुछ इस हाल में। पहले मैं दिखा दूँ कि इसकी जो फिनिशिंग है बहुत सुंदर है, क्लच बहुत सुंदर है, बहुत ही थिन है, तो बहुत ही अच्छे से आप कैरी कर सकते हो, कोई भी पार्टी में आराम से यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको ऊपर को जो स्लिंग का अटैचमेंट होता है वो मुझे एक तरफ मिली है और एक तरफ नहीं मिली है, लाइक टूटी हुई बैग मुझे मिली है। सो मैंने कंप्लेन किया है, अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है। स्लिंग कुछ इसकी ऐसी लंबी है, और ये जो इसका ओपनर वाला है वो बहुत सुंदर मुझे लगा। अगर ये फुल इस मुझे मिलती अच्छी हालत में तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होती। तो एक चेन आपको अंदर को मिल रही है, इस पर बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, आपका एक मोबाइल एंड थोड़ा मेकअप ही आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फुल पार्टी वेयर बैग है, आप सिर्फ इस स्टाइल के लिए ले सकते हो। तो मैं अब इस पे क्या ही बताऊँ कि ये मुझे टूटी हुई मिली है, तो मैं उतना खुश नहीं हूँ इससे इसलिए, बट अगर ये ठीक ठाक मिलती तो मुझे काफ़ी पसंद आती। That's it for today's video, guys. I hope video पसंद आई हो तो चलो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, एंड कॉमेंट तो ज़रूर से करना, क्योंकि मैं आपकी हर कॉमेंट पढ़ती हूँ, उनका रिप्लाई करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका फीडबैक। एंड बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय गाइज़।